कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम मस्त होंगे। तो मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हो अपना खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट बाय शिवम। गाइस आज के इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि जब आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है तो आप जो है क्या करना चाहिए, उस टाइम क्यों आता है, इन सब चीजों के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप सबको पता है गाइस कि क्रिएट बाय शिवम जो नाम का इस चैनल आप लोग देख रहे हो, इस पे एक वीक से कोई भी वीडियो नहीं आया। दिवाली का कोई भी वीडियो नहीं आया, छठ पूजा का कोई भी वीडियो नहीं आया। यार इसका बहुत बड़ा एक कारण है, वो मेरी गलती है, जो कि मैंने एक चाइल्ड पॉलिसी के खिलाफ जो है कदम उठा दिया, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के खिलाफ गया। मतलब कि उसमें मैंने कुछ समझ सकते हैं आप सब, मैंने कुछ उस वीडियो में जिससे कि हानि पहुँचती है बच्चों को या फिर किसी को भी, ऐसा हमने जो है वीडियो बनाया था, जैसे पटाखे उठाके जलाना ये सब, तो ये सब पे मैंने बनाया था। तो इसी पे जो है मेरा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया। चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक फोटेज दिखाता हूँ। पहले आप ये देखिए, थोड़ा सा और जूम, थोड़ा सा और जूम। उम्मीद करता हूँ आप सब ये देख चुके हैं। और मैं आपको बता दूँ गाइज कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को आप देखिए, वन वीक में आपका रिमूव हो जाता है, पहला वार्निंग आता है, दूसरा स्ट्राइक, तीसरा स्ट्राइक, और ऐसे ही आपका चैनल डिलीट हो जाता है। लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से, प्यार से हमारा चैनल डिलीट नहीं हुआ है। वन वीक के बाद फाइनली आ गया है। दिवाली के दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसी दिन एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया। बहुत बढ़िया हुआ कि मैंने उस दिन उस चीज़ को नहीं देखा। अगर मैं उस दिन को उस चीज़ को देख लेता तो शायद वो दिन मेरा बहुत बेकार चला जाता। इस बार का दिवाली तो मैं मस्त इंजॉय किया। सुबह जब हुआ, जब मैं उठा, मैं देखा तो भाई ये देखो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुका है। फिर मेरे को इतना ज़्यादा टेंशन होने लगा, मैं क्या करूँ यार, दो साल से इस पर मेहनत कर रहा हूँ, क्लास में एक बार मैं फेल भी हो चुका हूँ, केवल यूट्यूब के चलते थोड़ा नंबर फेल नहीं, थोड़ा सा नंबर कम आया है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। जिस चीज़ पर आप सालों से मेहनत करो, वही चीज़ 2 मिनट 15 सेकंड की वीडियो में ख़राब हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचेगा। तो मैंने यूट्यूब से मतलब कि जो है ऐसे भेज सकते हैं, रिप्लाई कर सकते किया, तो मुझे पता लगा कि मेरे वीडियो में गलती था। तो बस अब वीडियोस आने वाली हैं रेगुलर, मज़ा तो आने वाला है, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस यही कारण था कि थोड़ी सी गलती हो गई थी, चाइल्ड पॉलिसी के खिलाफ हमारी वीडियो चली गई थी। अगर आपके भी चैनल पर आता है तो आप कोई भी ये सब वीडियोस मत बनाओ जो कि जिससे कि किसी को हानि पहुंचता है, और आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपका कंटेंट खुद ही डिलीट हो जाएगा चैनल से। तो कोई देखो गाइज, एक लिमिट होता है, उस लिमिट को जब आप पार करेंगे ना तो उसको जैसे कि एक्शन रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाएगा, एक्शन रिएक्शन हो जाएगा। मतलब अगर मैं अपना एक एक्शन नहीं, देखो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी पढ़ लिए, अगर मैं ये वीडियो नहीं डाला होता तो यूट्यूब मेरा ये जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं दिया होता, तो ना ही मैं एक्शन करता और ना ही रिएक्शन आता। तो आप एक्शन मत करना, रिएक्शन नहीं आएगा। जो आपका नीच है, नीच का मतलब होता है जो आपका कंटेंट है, जो आपका ऐसे कह सकते हैं मैं व्लॉगर हूँ, तो मैं व्लॉगिंग कैटेगरी उसको बोलते हैं, मैं व्लॉगिंग कैटेगरी का हूँ, कोई डांसिंग कैटेगरी का, कोई सिंगिंग कैटेगरी का, कोई कॉमेडियन है, कोई इंटरटेनमेंट है, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी चलता आ रहा है, तो अलग अलग कैटेगरी पे आप लोग काम कीजिए। ये मेरी गलती थी, मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ। और गाइस दिवाली की वीडियो तो आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, मैं आपसे सभी से माफी मांग लिया हूँ। लेकिन छठ पूजा का जो है व्लॉग आएगा, मजा तो आएगा बिल्कुल ही, सब देखते रहिएगा आप हमारे साथ। मैं आपको अपना छोटा भाई शिवम मिश्रा। तो बस अभी मैं थोड़ा आपको बाहर का सीन चेक करा देता हूँ, चलिए बाहर चलते हैं। अभी का सीन कुछ ऐसा है गाइस कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यार धूप हुआ है, और आज जो है हमारी छुट्टी है, तो यार देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है यार, मस्त लग रहा है। लाइक हे गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो चलो गाइस मिलते हैं स्पेशल व्लॉग के साथ।